हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। टुडे माय टॉपिक इज अबाउट यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड। पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को कंसोलिडेट करना सीखा, सब टोटल को सीखा कि किस तरीके से हम ग्रुपिंग बाय ग्रुप बाय सब टोटल कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं व्हाट इफ सिनेरियस और व्हाट इफ टूल्स। पहले हम सिनेरियस के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको सिनेरियस के बारे में प्रैक्टिकली बता रही हूं, दोनों को कैसे यूज करते हैं। देखिए, सामने जो स्क्रीन है आपको शो हो रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में पहले एक एग्जांपल रखा हुआ है मैंने। आप कोई भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे यहां पर मैंने प्रिंसिपल अमाउंट मैंने लिखा 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा 4, टाइम पीरियड मैंने दिया 1। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला आपने मैथ्स में कर रखा है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन में 100। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को, ये मैंने अप्लाई किया P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब आप कहेंगे कि मैडम यहां पर आपने B3, B4, B5 क्यों लिखा है। देखिए, सेल के अकॉर्डिंग देखिए, B3 है प्रिंसिपल अमाउंट, B4 है रेट, B5 है इसका आप वो देखिए कि क्या बन रहा है इसका टाइम पीरियड, 1 है टाइम पीरियड। तो क्या है, किस कॉलम में आया, B5 में आया। तो B3 इंटू B4 इंटू B5 अपॉन में 100, तो एंटर कर देंगे इसे, 800 आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला लगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, अब ये फॉर्मूला सेट हो गया है। अब हमने रेंज को सिलेक्ट किया, ये जो रेंज है मेरी मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर टूल्स ऑप्शन में जाएंगे। टूल्स ऑप्शन में जाने के बाद आप जाओगे सिनेरियस ऑप्शन में। सिनेरियस ऑप्शन में देखिए, यहां पर नेम ऑफ सिनेरियस यहां पर मैं दे देती हूं ST1। मेरा प्रिंसिपल इसमें है ST1 दे दिया, मेरा प्रिंसिपल इसमें 20,000 है, मैंने ST1 दे दिया। और यहां पर आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूं यहां पर 20,000 मेरा प्रिंसिपल है ना, जिससे कि मुझे याद रहेगा। इसको कर देंगे हम ओके, ठीक है। इसके बाद मान लो यहां पर मैं प्रिंसिपल कर देती हूं 10,000, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 400 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमें एक ही बार करना है इसको सेट। अब हम इसको फिर से सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट किया मैंने, अगेन हम जाएंगे ऑप्शन टूल पर। ऑप्शन टूल पर जाने के बाद सिनेरियस ऑप्शन में जाना है, फिर मैं इसको नाम दे देती हूं ST2 दे देती हूं। ST1 मैंने पहले बनाया था ना, इसको मैं दे रही हूं ST2 नेम। और कमेंट बॉक्स में मैं यहां पर अमाउंट डाल रही हूं 10,000, क्योंकि मैंने अब 10,000 लिया है, इसको हम ओके कर देंगे। तो देखिए, अब मान लो यहां मैं ले लेती हूं 5,000 प्रिंसिपल ले लिया मैंने, सॉरी 50,000 कर दिया, 5,000, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 200 आ गया। ऑटोमेटिकली एक बार अप्लाई करना है आपको, अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब फिर इसको सिलेक्ट किया, टूल्स ऑप्शन में गए हम, सिनेरियस ऑप्शन में गए, इसके बाद हम यहां पर मैंने इसको नाम दे दिया ST3, ये मैंने इसको नाम दे दिया। और मेरा अमाउंट कितना है, अमाउंट आई थिंक मैंने 5,000 दिया है, यस 5,000 अमाउंट दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब देखिए, जितने भी सिनेरियस मैंने बनाए, ये एरो का सिंबल आया था यहां साइड में, देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने क्लिक किया, यहां पर मेरा आ गया ST1। ST1 पर क्लिक करूंगे तो मेरा 10,000 वाला आ गया, ठीक है, ST2 5,000,
एच टी थ्री पे देखती हूं मैं 5000। तो इस तरह से आप अपनी रेंज इसमें से देख सकते हो। तो व्हाट इफ सिनेरियस की हेल्प से हम तीन या तीन से ज्यादा सिनेरियस क्रिएट कर सकते हैं, मींस हमें वैल्यू चेंज करेंगे, फॉर्मूला हमें एक ही बार अप्लाई करना है और जितने भी वैल्यूज चेंज करेंगे, हमें जो यहाँ पर ये सिंबल बना दिखाई दे रहा है, एरो का सिंबल बना दिखाई दे रहा है हमें, यानी मींस ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ ब्लॉक पे जाकर आप अपनी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। व्हाट इफ टूल्स में हम क्या करेंगे, जैसे हमने सिनारियो बनाया, सिनारियो में ज्यादा वैल्यू है हमारे पास में, हम सिनारियो में दो या तीन वैल्यूज हैं तो बार बार चेंज करके देख लेते हैं, लेकिन हमारे पास वैल्यू बहुत ही ज्यादा है तो हम इस एग्जांपल को समझेंगे व्हाट इफ टूल्स की हेल्प से, जिसका ऑप्शन है मल्टीपल ऑपरेशंस। आप यहाँ दो तरीके से रिजल्ट देख सकते हैं, कॉलम इनपुट सेल से और रो इनपुट सेल से। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया प्रिंसिपल, सॉरी वन मिनट, यहाँ पे स्पेलिंग में कर लेती हूँ, राइट, प्रिंसिपल अमाउंट लिया मैंने यहाँ पर 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, टाइम पीरियड 1, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला लगाया P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, तो मेरा आ गया सिंपल इंटरेस्ट 800। तो इसको हम कॉलम इनपुट सेल से भी कर सकते हैं सॉल्व और रो इनपुट सेल से भी कर सकते हैं। मान लो आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो जैसे मैंने यहां पर ले लिया प्रिंसिपल 1200, 1400, 1600, ये ले लिया मैंने, तो इसका इसको हम कैसे मल्टीपल ऑपरेशन से करेंगे। सबसे पहले हम डाटा ऑप्शन में जाएंगे, यहां से डाटा ऑप्शन पर जाकर यहां पर मल्टीपल ऑपरेशंस में जाएंगे, पहले इसको सिलेक्ट कर लो, इसके साथ वाले रो को भी सिलेक्ट कर लेना, कॉलम्स को, इन्हें सिलेक्ट कर लिया। अब हम डाटा ऑप्शन में जाएंगे, डाटा ऑप्शन में जाने के बाद हम जाएंगे मल्टीपल ऑपरेशंस में, मल्टीपल ऑपरेशंस में वो कह रहा है फॉर्मूला, फॉर्मूला हमने कौन से सेल में पुट किया था, यहां पर किया था, ये आ गया सेल एड्रेस फॉर्मूले का। फिर कॉलम इनपुट सेल, यहां पर आपको कॉलम इनपुट सेल रखना है क्योंकि हमने कॉलम में करना है, ये इस टाइप से ये कॉलम होते हैं और ये क्या होती है, इस टाइप से रोज होती हैं, कॉलम डाटा हमें करना है, तो मुझे प्रिंसिपल को बार बार चेंज करना है, तो मैंने प्रिंसिपल सेल को सिलेक्ट कर लिया, सेल एड्रेस आ गया, फॉर्मूलाज का भी, कॉलम इनपुट सेल का भी ओके कर देंगे। तो देखिए ये आ गया हमारा जो डाटा है, ये हमारा आया कि अगर जो हमारा प्रिंसिपल 1200 है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आप लोग टैली भी कर सकते हो, 48। अगर हमारा प्रिंसिपल 1400 है तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है 56 होगा, 1600 64, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसी तरह से हम करते हैं रो मेथड से, रो में भी मैं यही वैल्यू रख के देखती हूँ, 1200, 1400 और 1600, ये मैंने रो में भी वैल्यू रखी है। वन मिनट, में इसका साइज इंक्रीज कर देती हूं, साइज इंक्रीज करती हूं ताकि आपको शो हो जाए अच्छे से, ये, और बोल्ड भी कर देती हूं मैं इसे, तो आपको शो हो रहा होगा। अब देखिए इसे सिलेक्ट किया, अगेन हम जाएंगे डाटा ऑप्शन में, मल्टीपल ऑपरेशंस पर, उसके बाद फॉर्मूला वही आ जाएगा, एड्रेस फॉर्मूला एड्रेस वही देगा 800 वाला। अब इनपुट सेल करना है हमें, क्योंकि रो में करना है ना, रो इनपुट सेल, पहले हमने कॉलम किया था, तो प्रिंसिपल में बार बार चेंज करूंगी तो ये एड्रेस ही आएगा, ओके कर देंगे। तो देखिए सेम वैल्यू आ रही है, सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप डाटा को व्हाट इफ टूल्स मल्टीपल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम जो है, अब देखिए इसमें मैंने एक साथ ही 3 प्रिंसिपल अमाउंट रखे हैं और एक साथ ही मेरे को इसकी वैल्यू जो है मिल गई, सिंपल इंटरेस्ट मेरा फाइंड हो गया। तो एक ऑप्शन था सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का व्हाट इफ सिनेरियस, और एक ऑप्शन है व्हाट इफ टूल्स। आज के लिए इतना ही, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिकल करके देखना है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू।